Hello everyone, this is Dr. Ujwala Lande, Assistant Professor, Department of Zoology, Sri Shivaji College, Akola. The topic for today's discussion is mutations caused by replication machinery. Let us begin. सबसे पहले जानते हैं सिंपल में कि म्यूटेशन क्या है. आपको पता है कि म्यूटेशन जो है दैट इज नथिंग बट चेंज इन द जेनेटिक कोड. जो भी हमारा जेनेटिक कोड होता है उसमें कोई भी चेंज हो गया, हो सकता है वो अच्छा हो या हो सकता है वो बुरा हो, तो जो भी जेनेटिक कोड में चेंजेस आ गया उसको हम कहते हैं म्यूटेशन. तो कोई जीन में यदि म्यूटेशन आता है तो उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन. जैसे कि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई म्यूटेशन होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट यदि चेंज होती है डीएनए में, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वेरी एक्यूरेट प्रोसेस होती है और उसमें हमको दिखता है कि कई बार कोई कोडॉन डिलीट होने, कोई बेस पेयर डिलीट हो गया या कोई एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया गया, तो उसकी वजह से रीडिंग ऑफ फ्रेम चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन, एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बे इंसर्शन एंड डिलीशन. तो इसी को हम आगे देखेंगे. पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. रेप्लिकेशन में जो दो टाइप के एरर्स आते हैं वो सब्स्टिट्यूशन आते हैं और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पहले हम देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के, पहले हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्शन. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ जा रहा है एक ही इसमें, तो दैट इज ट्रांजिशन. और ये जो है ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्शन. ये वाले डायग्राम में यदि आपको दिखेगा तो ए या जी में जब होगा तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिशन, और जब ए और सी में जब होगा या वाइस वर्सा हो गया तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्शन. मतलब ए और जी ये दोनों प्यूरिन्स है और सी और जी ये दोनों प्यूरिन्स है, ठीक है. लेकिन जी और सी, तो जब ए और जी में जब कन्वर्शन होता है तो हम उसको बोलेंगे, क्योंकि प्यूरिन से प्यूरिन में ही हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिशन. लेकिन जब वो ए से सी में हो गया तो हम उसको कहेंगे ट्रांसवर्शन. तो ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन फॉर प्यूरिन या पायरीमिडीन फॉर पायरीमिडीन, ठीक है. ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन को प्यूरिन, मतलब ए को जी से या जी से ए को. लेकिन पायरीमिडीन का मतलब है कि प्यूरिन से पायरीमिडीन को ट्रांसवर्जन या वाइस वर्सा, यानी पायरीमिडीन से प्यूरिन में. लेकिन इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पर जी टी या ए सी का होगा तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज ट्रांसवर्शन. ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन पॉइंट म्यूटेशन हम देखेंगे. पॉइंट म्यूटेशन हमको पता है कि एक सिंगल पॉइंट में जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन. तो सिंपल यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजिशन दिया हुआ है, पायरीमिडीन टू पायरीमिडीन यहाँ पर चेंज दिख रहा है आप. देन नेक्स्ट इज दिख रहा है प्यूरिन टू प्यूरिन, मतलब यहाँ पे ए जी में चेंज आ रहा है और यहाँ में टी सी में हो रहा है या इसमें वाइस वर्सा हो रहा है. ट्रांसवर्शन हमको ये चार फॉर्मेशंस में दिखेंगे. पायरीमिडीन टू प्यूरिन मतलब टी ये पायरीमिडीन है तो इसका ट्रांसवर्शन ए में हो सकता या जी में हो सकता. सी ये पायरीमिडीन है तो उसका जी में हो सकता या ए में हो सकता. ए ये प्यूरिन है तो उसका टी या सी में हो सकता है. जी ये प्यूरिन है तो उसका सी या टी में हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्शन. देन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है
वो किस तरह का होता है, ये गुड भी हो सकता है, ये बैड भी हो सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हमको तीन तरह के पॉइंट म्यूटेशन मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन या नॉन सेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन प्रोटीन का फंक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर तीनों डायग्राम एक साथ दिए हुए हैं। पहली स्टेप में हमको दिख रहा है कि कोई भी म्यूटेशन नहीं है, डीएनए के लेवल पे हमको कोडॉन दिख रहा है टीटीसी, और एमआरएनए के लेवल पे यहाँ पर हमको दिख रहा है एएजी, जो कोड करता है प्रोटीन लेवल यानी अमाइनो एसिड को लाइसिन पे। अब देखेंगे साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या हो गया, एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, मतलब सी के जगह पे डीएनए लेवल पे जीन के लेवल पे हमको दिख रहा है कि ये कोडॉन बदल गया, सी के जगह पे यहाँ पे आ गया है टी। तो टी आ गया है, तो टी एमआरएनए के लेवल पे हमको दिख रहा है कि ए आ गया, मतलब ए ए ए आ गया है। तो जब ए ए आ गया है तो वो लाइसिन को ही कोड करते हैं। तो आपको पता है कि कोड इज डी जेनरेट, एक अमाइनो एसिड के लिए कई तरह के कोड होते हैं। तो ए ए जी भी लाइसिन को कोड करता है, ए ए ए भी लाइसिन को कोड करता है। मतलब आपको यहाँ दिख रहा है कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन अमाइनो एसिड नहीं बदला। तो अमाइनो एसिड नहीं बदला तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज साइलेंट म्यूटेशन, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पर पहले वाले टी के जगह पे आ गया है ए। अब ए कोड करता है, ए पेयर करता है यूरेसिल के साथ एमआरएनए में। तो यूएजी आपको पता है कि स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हॉल्ट हो गया है, स्टॉप हो गया है। तो इसका प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर रुक गई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉनसेंस कोडॉन। देन नेक्स्ट इज मिससेंस। मिससेंस का मतलब है इट कोड्स फॉर रॉन्ग प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड तो फॉर्म हो रहा है, रुक नहीं गया है, लेकिन गलत हो रहा है। तो यहाँ पर सेंटर में आपको दिखेगा सी के साथ हो गया है, तो यहाँ एमआरएनए में जी आ गया और तो ये बन गया आर्जिनिन, तो दिस इज कंजर्वेटिव। एंड यहाँ पर जी के साथ सी आ गया तो ये हो गया थ्रियोनिन। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव चेंजेस आ रहे हैं मिस सेंस में, मतलब यहाँ पर रॉन्ग प्रोटीन बन रहा है। सो दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। यहाँ पर और एक डायग्राम दिया हुआ है आपको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब है ऑल्टर्ड कोडॉन फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन प्रोटीन फंक्शन। नॉनसेंस का मतलब है स्टॉप कोडॉन, रिजल्ट काय में आ रहा है, ट्रंकेटेड प्रोटीन में रिजल्ट आ रहा है। एंड मोस्ट आर डाइजेस्टेड बाय द सेल, ऑफन लीथल कब है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में चेंजेस आ रहे हैं। साइलेंट म्यूटेशन कोडॉन को ऑल्टर कर रहा है लेकिन सेम ही अमाइनो एसिड आ रहा है, इसकी वजह से प्रोटीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बेस सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिख रहा है हमको साइलेंट म्यूटेशन, ए टी यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे हमको दिख रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि ए यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसर्ट हुआ है और यहाँ पे डिलीट हो गया है, तो हमको यहाँ पर एक जी डिलीट हो गया, तो ये हमको डिलीशन दिख रहा है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पर आप देखोगे ए टी जी जो मिथियोनिन को लिए कोड करता है, जी ए ए ग्लूटामिन के लिए करता है, जी सी ए एलेनिन के लिए करता है और सी जी टी ग्लाइसिन के लिए करता है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है और ये जो जी है ये डिलीट हो गया, तो जैसे ही ये डिलीट
हो गया, ये फ्रेम शिफ्ट हो गई, मतलब यहाँ पे अब आ गया ए ए जी, मतलब ए ए और इधर का जी आ गया, फिर ये सी ए सी आ गया, ए ए जी सी ए सी जी टी। तो यहाँ पर तो अब ग्लाइसिन के जगह पे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, यहाँ एलेनिन के जगह पे हिस्टिडीन बन गया और यहाँ ग्लूटामाइन के जगह पे लाइसिन बन गया। मतलब आप देखोगे यहाँ चार अमाइनो एसिड बन रहे थे, यहाँ तीन ही बन रहे, उसमें से दो अलग हो गए क्योंकि फ्रेम शिफ्ट हो गई है। क्यों शिफ्ट हो गई है फ्रेम? बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वन नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर आपको इजी इसमें एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यदि सेंटेंस आप रीड करते हैं तो आपको दिख रहा है द कैट हैट डिड नॉट फ्लाई। यहाँ पर आपको फर्स्ट जगह पे एच का फ्रेम में डिलीशन दिख रहा, जैसे ये डिलीट हो गया आपको टी ई सी दिख रहा, टी ई सी ए टी एच, ये पूरी फ्रेम आपकी बदल गई और आप इसको रीड नहीं कर पा रहे। सो दिस इज डिलीशन हो गया फर्स्ट फ्रेम में। यहाँ पर हो गया इंसर्शन, तो ये सेकंड लेटर आपको यहाँ पे एफ का इंसर्शन हो गया, तो ये कैट के जगह पे ये कोई वर्ड बन गया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसकी वजह से पूरी रीडिंग फ्रेम बदल गई। दिस इज अगेन एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग इंसर्शन का दिख रहा है आपको, यहाँ इंसर्ट होने की वजह से रीडिंग फ्रेम बदल गई, यहाँ डिलीशन की वजह से रीडिंग फ्रेम बदल गई। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है आपको पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, तो दोनों को एक साथ कंपेयर करके आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग।